everyone, welcome back to my channel. If you are new on my YouTube channel, my name is Poo. Today I am going to talk and review about newly launched Formic face wash. So M Cafe recently launched a Formic face wash. So अभी recently उन्होंने एक Formic face wash लॉन्च किया है और उन्होंने कुछ अदर प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं जो ग्रीन टी रेंज में से। मैंने सारे प्रोडक्ट अभी परचेज कर लिए हैं और इन दिनों मैं अपने स्किन केयर रूटीन में उसे टेस्ट आउट कर रही हूँ अपने स्किन पे। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ फॉर्मिक फेस वॉश। तो दिस इज न्यूली लॉन्च फॉर्मिक फेस वॉश जिसका नाम है ग्रीन टी एंड वाइटामिन सी फॉर्मिक फेस वॉश फॉर ग्लोइंग स्किन। सो दिस इज बेसिकली इट हैज वाइटामिन सी विच मेक्स योर स्किन ब्राइट एंड ग्लोइंग। और ये फेस वॉश ऐसा क्लेम भी करता है कि आपकी स्किन को ये फ्रेश रखेगा और साथ ही आप जितने भी अगर डार्क स्पॉट्स हैं उन्हें रिड्यूस करने में हेल्प सकते हैं। मेरे पास ये है फॉर्मिंग फेस वॉश, इसको मैं अभी 2 से 4 दिन से अपने डे और नाइट में इसे यूज कर रही हूँ ये देखने के लिए कि किस तरह से मेरे स्किन पे वर्क करता है। तो इस फॉर्मिंग फेस वॉश के बारे में बात करूंगी, कैसा है, क्या इंग्रेडिएंट है, कितना रिफ्रेशिंग है और वाइटामिन सी होने की वजह से कितना स्किन को ब्राइट करता है। सारी डिटेल जितनी भी एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के लिए होनी चाहिए खरीदने से पहले इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो इस तरह की ढेर सारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो लाइक का बटन भी जरूर दबाएं। पैकिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आती है। नॉर्मली जो फॉर्मिंग फेस वॉश की जो पैकिंग होती है वो कुछ इस तरह से आती है। आपको मिलता है कैप, इसमें से आपको फॉर्म मिलेगा जिसको आपको खुद यूज करना है। और इस फॉर्मिक फेस वॉश की जो क्वांटिटी है वो है 110 ml और MRP है 299 rupees। सो आई विल प्रोवाइड अ परचेज लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। If you want to purchase, तो आप उस लिंक के थ्रू जाकर उसे परचेज कर सकते हो। बेसिकली दिस इज अ फॉर्मिंग फेस वॉश। फॉर्मिंग फेस वॉश क्या होता है, काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग माना जाता है, काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है ऑयली स्किन के लिए। बेसिकली जो फॉर्मिंग फेस वॉश है वो माना जाता है ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बट मोस्ट ऑफ द फॉर्मिंग फेस वॉश क्या करते हैं, स्किन को ड्राई कर देते हैं। बट इसके अंदर क्या है, वाइटामिन सी है। तो वाइटामिन सी हमारी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करेगा और ग्लो करने में हेल्प करेगा। इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि ये फॉर्मिंग फेस वॉश ज्यादा ड्राई तो नहीं कर देता स्किन को, या फिर इस समर्स में ये कैसा। एम कैफे ऐसा क्लेम करते हैं कि 24 आवर तक आपकी स्किन को ये हाइड्रेशन देगा एंड आफ्टर यूज आपको स्किन में एक ग्लो भी देखने को मिलेगा। अगर आप इस फॉर्मिंग फेस वॉश को डेली या रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग पीरियड तक यूज करते हो तो आपकी स्किन में जितना भी डल लेंस है वो रिड्यूस करेगा और आपकी स्किन में अगर डार्क स्पॉट्स हैं उन्हें भी रिड्यूस करेगा। एंड दिस फॉर्मिंग फेस वॉश रिमूव योर डर्ट इम्प्योरिटीज। मतलब इस समर्स में तो ये आई थिंक ये अच्छा होने वाला है, बिकॉज समर्स में हमारे और स्किन पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, डर्ट होता है, पॉल्यूशन होता है, उसे बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करे। और ये फॉर्मिंग फेस वॉश ऐसा क्लेम भी करता है कि जो आपकी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है उसे नहीं जाते। नेचुरल मॉइस्चर जो होता है हमारी स्किन का, अगर बहुत चला जाता है तो हमारी स्किन हद से ज्यादा ड्राई हो जाती है, जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। एंड दिस इज अ सल्फेट फ्री फॉर्मिंग फेस वॉश विच इज वेरी वेरी जेंटल ऑन योर स्किन एंड इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ कैफीन, सूथ एंड काम द स्किन। लाइक इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, उस वजह से आपकी इरिटेटेड स्किन है, बर्निंग काइंड ऑफ स्किन है, उसे रिलैक्स रखेगा, उसे सूद रखेगा। एंड ये ब्रांड ऐसा क्लेम करता है कि 100% यूजर्स ने ऐसा देखा है कि उनकी स्किन ग्लो हुई है प्लस इवन टोन हुई है आफ्टर यूज दिस फेस वॉश। सो यू कैन यूज दिस फेस वॉश मॉर्निंग एंड नाइट। आप इसे मॉर्निंग और अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में डेली यूज कीजिए, तभी आपको एक विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। यू हैव टू टेक अ 1 or 2 pump सफिशियंट जितना आपको स्किन में जरूरत है। लेदर अप, अच्छे से लेदर बनाए, देन अपने फेस पे अच्छे से 20 to 30 seconds तक मसाज करें, देन आफ्टर दैट वॉश आउट विद नॉर्मल वाटर। तो आफ्टर 1 use ही आपको स्किन में एक ग्लो देखने को मिलता है, प्लस ये स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता। जैसा कि इसने साफ साफ क्लेम किया है कि स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है उसे बना के रखेगा, तो उस वजह से आपका स्किन ज्यादा ड्राई भी नहीं होगा और ज्यादा अनहेल्दी भी। अगर बात करूँ तो आफ्टर 1 application स्किन मेरी अच्छे से, जितनी भी इम्प्योरिटीज है, जितना भी मेरा मेकअप था, जब मैं मेकअप उतारती हूँ उसके बाद फेस वॉश करती हूँ तो अच्छे से उतर गया था, प्लस वाइटामिन सी होने की वजह से यस लिटिल बिट स्किन में ग्लो देखने को मिलता है। इफ यू हैव अ ड्राई स्किन तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फॉर्मिंग फेस वॉश से थोड़ा सा बचते रहे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बिकॉज हो सकता है कि बहुत सारे ड्राई स्किन वाले हैं जिनको फॉर्मिंग फेस वॉश सूट करता, बट इट्स माय पर्सनल सजेशन कि अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई है तो हो सकता है फॉर्मिंग फेस वॉश आपकी स्किन को और ज्यादा ड्राई कर। बट इफ यू हैव ऑयली एंड एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन डेफिनेटली यू कैन ट्राई, बट इफ यू हैव हाइपर सेंसिटिव स्किन तो एक बार पैच टेस्ट जरूर करो। और दिस इज अ वेरी वेरी जेंटल ऑन योर स्किन, आपकी स्किन पे बहुत जेंटल तरीके से काम करेगा तो उस तरह से आपका स्किन ज्यादा हार्श भी नहीं होगा। इट हैज ग्रीन टी, विटामिन सी एंड कैफीन। ग्रीन टी आपकी स्किन से जितना भी ऑयल है, इम्प्योरिटीज है, उसे रिड्यूस करेगा और नेचुरली आपके स्किन को ही हाइड्रेट करके रखेगा। इट हैज विटामिन सी विच फाइट्स योर डलनेस एंड रिड्यूस डार्क स्पॉट्स एंड इट हैज कैफीन विच सूद योर स्किन एंड इट हैज विच एंटीऑक्सीडेंट, जिस वजह से आपका स्किन सूद रहेगा, रिलैक्स रहेगा और इरिटेटेड काइंड ऑफ नहीं रहेगा। इफ यू नीड अ ग्लो इन योर स्किन केयर रूटीन तो
आई विल सजेस्ट यू इस फॉर्मिंग फेस वॉश को आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। बार टास्क स्पॉट रिड्यूस करने की वो फॉर्मिंग फेस वॉश एक या दो दिन में या कोई और प्रोडक्ट नहीं करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको उसको लॉन्ग पीरियड तक इसे यूज करना पड़ेगा। इफ यू हैव अ वेरी वेरी डल स्किन तो डेफिनेटली फेस वॉश आपकी स्किन को अच्छे से ग्लो अच्छे से ब्राइट करने में हेल्प करेगा। प्लस पॉइंट इज मैंने स्टार्टिंग में आपके संग शेयर किया कि फॉर्मिंग फेस वॉश स्किन को ड्राई कर देते हैं बट क्लेम करता है कि 24 आवर तक आपकी स्किन को हाइड्रेट करती रहती है। बट ड्राई स्किन वाले इफ यू वांट तो आप ये बार ट्राई कर सकते हो बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहता है थोड़ा सा स्किन को ड्राई कर देता है। सो रिसेंटली एम कैफिन ने बीबी रेंज में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए थे जिसमें से उनका ये फेस वॉश है और कुछ एक दो प्रोडक्ट भी है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी बहुत ही जल्द, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। एंड अगर बात करें समर्स की तो समर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है बिकॉज समर्स में हमें एक रिफ्रेशिंग स्किन चाहिए होती है, डीप क्लीनिंग स्किन चाहिए होती है जो डेफिनेटली फेस वॉश करे। स्मेल की बात करो तो टोटली ग्रीन टी जैसी स्मेल है जो बेसिकली एम कैफिन के अदर ग्रीन टी प्रोडक्ट्स में से आती है। फ्रेंड्स ये था रिव्यू न्यूली लॉन्च एम कैफिन विटामिन सी फॉर्मिंग फेस वॉश का। रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है बेझिझक पूछिए अकॉर्डिंग टू स्किन केयर रूटीन या फिर इस फेस वॉश के बारे में, उसका डेफिनेटली रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँ। चलिए इस वीडियो में एड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंटेंट के साथ और एक अच्छी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।